छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमर चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहु। हर चले इसी सुकमा से एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सड़क निर्माण में लगे वाहन को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक बार फिर से नक्सलियों का करतूत सामने आया है। सड़क निर्माण में लगे वाहन को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। ये पूरा मामला किस्टाराम थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। चल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहित सागर जुड़े। मोहित, एक बार फिर से नक्सलियों का करतूत सामने आया है। जी दिगर जी, बता दें कि बहुत दिनों से नक्सलियों ने किसी घटना को अंजाम नहीं दिया था। जिस प्रकार से लोग सोच रहे थे शांत हो गए, लेकिन बहुत दिनों बाद नक्सलियों ने बड़ा घटना को अंजाम दे दिया है। किस्टाराम में उन्होंने एक वाहन को जला दिया जो रोड के कार्य में लगा हुआ था, रोड रोधक। और बता देखा जाए तो नक्सलियों ने इस हफ्ते में यह दूसरा घटना को अंजाम दिया। ठीक दो दिन पहले ही नक्सलियों ने आंध्र प्रदेश में कम से कम 6 गाड़ियों को रोड निर्माण कार्य में लगे थे, जिनको आग के हवाले कर दिया गया था। जी मोहित जी, हम ये भी जानना चाहेंगे इसके बाद प्रशासन किस तरह से वहाँ पर कार्रवाई कर रही है, किस तरह से वहाँ पर सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। अभी तो देखा जाए तो नक्सल सेल से बताया जा रहा है कि अभी तो टीम निकल गई है सर्चिंग पे। जी, और अभी वाहनों के पास भी पुलिस पहुंच चुकी है। ये किस्टाराम से बहुत अंदरूनी क्षेत्र में जलाया गया था, जिस कारण से पुलिस को पहुंचने में थोड़ी दिक्कत तो पहुंची है, लेकिन अब वह गाड़ियां वापस लेके आ रही है। जी, और जो रोड निर्माण कार्य कर रहे थे वो कार्य अभी स्थगित कर दी गई है। जी।